नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लखनऊ में बीजेपी की एक दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दावा किया है। आखिर ऐसा क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के एक दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी 75 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा, इसके लिए अभी से जमीन तैयार करनी होगी। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में 8 साल पूरे होने पर बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के एजेंडे पर काम कर रही है और कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाना होगा और उन्हें इसके बारे में बताना होगा। उस विराटता को अंगीकार करने के लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए जो सदैव अटल जी ने हम सबको दिया था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। उस संकल्प को लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत की इस तस्वीर को देख रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए हमने देखा है। राज्य में दोबारा सरकार बनने के बाद आयोजित की गई कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के संकल्प को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से प्रयास शुरू करने होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिला है और इसका लाभ यूपी चुनाव में पार्टी को मिला। सीएम योगी ने कहा कि अब से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जमीन तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि काशी अब पीएम मोदी के विजन के अनुसार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में लाउडस्पीकर को धार्मिक स्थलों से उतारा गया है। राज्य में लाउडस्पीकर दंगे, अराजकता और तनाव का कारण बनते थे, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार के सुशासन का ही नतीजा है कि राज्य में धार्मिक स्थलों से 70,000 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं या फिर उनकी आवाज को परिसर तक ही सीमित कर दिया गया। बहरहाल, सीएम योगी की तरफ से अगर ये दावा किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई ठोस सबूत होंगे और आंकड़े भी होंगे। इस दावे के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से जनता ने योगी सरकार के कामों को सराहा है और उन्होंने दोबारा से सत्ता में काबिज उन्हें करवाया है, उसी प्रकार से एक बार फिर से यूपी में लोकसभा की ज्यादातर सीटें जनता बीजेपी के झोली में डालेगी और शायद सीएम योगी ने भी इसी तथ्य के आधार पर 75 सीटें जीतने का दावा कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।